कि आपसी संख्या के यूज यहां पर भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी है ना सब में होता है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। विशेष है ये लेक्चर और बहुत ही आसान है, आपसीकरण संख्या आप निकालना तुरंत सीख जाएंगे, बस अच्छे से आप देखते रहिए। और हाँ, आप नोट भी कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, किसके लिए आपसीकरण संख्या कितना मानते हैं, क्योंकि जितने भी कंडीशंस हैं सभी कंडीशन आपको मैं सिंपली बताऊंगा बारी बारी से। देखिए, तो आज का जो मेन टॉपिक रखा जाएगा वो है आपसीकरण संख्या। आपसीकरण संख्या और ऑक्सीकरण संख्या जो होता है इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह देते हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम लोग निकालना सीख लेंगे, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि रियल में ऑक्सीकरण संख्या है क्या, इसका डिफिनेशन क्या होते हैं, पहले निकालना तो सीखिए। देखिए, इसका रूल होता है, तो रूल नंबर वन ये होता है कि ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन अगर कहीं पर है किसी के साथ है, जैसे H2O में O है एंड HNO3 में O है, H2SO4 में O है, CO2 में O है, तो ऑक्सीजन अगर किसी के साथ है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हर जगह -2 होती है। आप आंख मूंद करके लिख दीजिए, सही है ऑक्सीजन। तो बात करते हैं पहला पॉइंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हर जगह -2 होती है, चाहे जहां पर दिख जाए -2। लेकिन इसका एक नोट है, इसका एक नोट भी होता है कि पराक्साइड में इसी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान देंगे, पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, हर जगह -2 होगा लेकिन पराक्साइड में -1। अब पराक्साइड क्या होते हैं, अगर कहीं किसी कंपाउंड्स में ओ सिंगल बॉन्ड ओ से अटैच है, अगर ओ और ओ के बीच में कहीं पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, तो उसको पराक्साइड बोल देते हैं। और यहां पर इसका -1 ही होगा, जैसे जैसे अपना H2O2 हो गया, देखो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस प्रकार से, अच्छा, H2SO5 में परऑक्साइड बॉन्ड होता है, एंड इसके अलावा अगर बात करेंगे आप H2S2O8, तो यहां पर भी परऑक्साइड लिंकेज होता है। तो ये कुछ है नहीं, बस जानते रहिए कि जहां पर ओ और सिंगल बॉन्ड ओ होगा उसमें परऑक्साइड होगा ही होगा। तो ये परऑक्साइड यहां पर बॉन्ड होते हैं, ये परऑक्साइड है, जैसे H2O2 हो गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको क्या सीखना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हर जगह -2 होगा लेकिन परऑक्साइडो -1 होगा, मतलब जो भी होगा माइनस में होगा। लेकिन हाँ, इसी का एक और नोट है, ऑक्सीजन का एक नोट और मैं लिख रहा हूं कि हर जगह इसका -2 परऑक्साइड -1 होता है, लेकिन इसी ऑक्सीजन का OF2 एक कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगा। ध्यान देंगे आप, ये विशेष है, ये एक नोट है, मैं नोट लिखा हूं यहां पर, ये नोट है, विशेष है, क्यों, चूंकि ऑक्सीजन का हर जगह -2 -1 होता है, पूरे नेचर में केवल एक ही कंपाउंड है जहां पर +2 होगा, OF2, एंड ऐसे ही एक होता है O2F2, और यहां पर ऑक्सीजन का -1 होता है, ध्यान रखेंगे आप, हर जगह इसका -2 -1 होगा लेकिन OF2 में +2 होता है और O2F2 में +1 होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का हर जगह -2 होगा, -2, परऑक्साइड में -1 होगा। और नोट में ये बोला गया आपको कि OF2 एक ऐसा कंपाउंड जहां पर इसका +2 भी होता है, ऐसे O2F2 एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर इसका +1 होता है, इसके अलावा यार चाहे जो हो हर जगह तो इसका -2 है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ऑक्सीजन का हर जगह -2, परॉक्साइड में -1 होगा, OF2 में +2 होगा एंड O2F2 में +1, रट लीजिए इसको। मैं क्या बोला अभी आपको कि ऑक्सीजन का हर जगह -2, परॉक्साइड में -1, OF2 में +2 एंड O2F2 में +1, हो गया कंप्लीट। तो ये था सिंपल, केवल हमने पढ़ा भी ऑक्सीजन के बारे में, ध्यान देंगे आप। और ऐसे ही हम सेकेंड बात करते हैं हाइड्रोजन।
तो रूल नंबर टू, मैं इसको मिटा रहा हूं, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू ये होता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चाहे जहां किसी के साथ दिख जाए, माने ये हाइड्रोजन माने क्या, एच, हाइड्रोजन कहीं भी दिख जाए आपको तो इसका आक्सीकरण संख्या आप प्लस एक मानेंगे, इसका प्लस एक होता है, हर जगह प्लस एक होता है, जैसे H2O में एच है ना प्लस एक, मेथेन CH4 में एच है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, CH4 इसका क्या आएगा प्लस एक, NH3 इसका क्या आएगा प्लस एक, H2O इसका क्या आएगा प्लस एक, H2SO4 क्या आएगा प्लस एक, यार चाहे जहां दिखे प्लस एक ठोक देंगे हो जाएगा, तो H का हर जगह प्लस एक होता है। लेकिन इसमें भी एक नोट लिख लेंगे आप, तो इसमें नोट क्या होता है, हाइड्राइड अगर कहीं पर धातु का हाइड्राइड है, ध्यान देंगे आप, धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड धातु हाइड्राइड में यही अपना जो हाइड्रोजन है ना, इसका आक्सीकरण संख्या माइनस एक होता है, हर जगह हमने क्या बोला प्लस एक होगा, लेकिन धातु के हाइड्राइड माइनस एक होता है। अब ये कौन सी वाला है, ध्यान दीजिए, अब धातु हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, अच्छा ये है क्या, अगर कोई धातु का परमाणु या हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन सीधे किसी धातु के परमाणु से जुड़ा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन जी सोडियम के पास है, हाइड्रोजन लिथियम के पास है, ऐसे ही KH हाइड्रोजन पोटेशियम के पास है, मैग्नीशियम के पास है, अगर हाइड्रोजन सीधा किसी धातु परमाणु से जुड़ेगा तो इसको हाइड्राइड कहते हैं, तो ये सभी क्या है, हाइड्राइड है, और हाइड्राइडों में इसका माइनस एक आएगा, हाइड्रोजन का हर जगह प्लस एक होता है, हर जगह कहीं पर रहे, लेकिन अगर धातु के साथ है तो उसका माइनस एक होगा, हो गया। ऐसे ही रूल नंबर, ये रूल नंबर टू था अपना, अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर थ्री पर, देखिए कितना सिंपल सिंपल रूल है इसका, रूल नंबर थ्री पर जाएंगे और हम आ जाएंगे सीधा टेबल में, तो रूल नंबर थ्री बात करेंगे हम लोग टेबल, आप जानते होंगे टेबल, पीरियोडिक टेबल में पूरे 18 ग्रुप थे और उन 18 ग्रुपों में से हमने, हम ले रहे हैं केवल पहला ग्रुप, पहले ग्रुप का नाम होता है क्षार धातु, क्षार धातु इनको बोलते हैं एल्कलियन मेटल। अच्छा इसमें कौन कौन आएंगे, लिथियम, लिथियम आएगा, सोडियम, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ध्यान देंगे आप, जो फर्स्ट ग्रुप होता है टेबल का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इतने इलेमेंट्स जो हैं क्षार धातु बोलेंगे इनको, क्षार धातु चाहे जहां दिख जाए किसी के साथ दिख जाए, इनका आक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस वन होता है, आप ना तो प्लस टू करेंगे ना तो जीरो, कुछ नहीं केवल प्लस वन, इसमें कोई अपवाद भी नहीं है, क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस एक होती है, रूल नंबर थ्री। रूल नंबर फोर पर आ जाएंगे, तो अगला जो है क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं, अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं इनको बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, और इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आ जाएगा अपना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ध्यान देंगे आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, सेकेंड ए ग्रुप का आक्सीकरण संख्या चाहे जो होगा सबका प्लस दो होता है, आपको कुछ नहीं करना, सबका प्लस दो होगा, आप प्लस दो लगा देंगे वो सही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, सबकी आक्सीकरण संख्या प्लस दो होती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्षार धातु का इतना कहीं भी दिखे प्लस वन और इनका हर जगह प्लस टू होता है। ऐसे ही एक और लिख लेते हैं हम लोग रूल नंबर फाइव, तो रूल नंबर फाइव ये है कि हैलोजन, रूल नंबर फाइव हम लोग बात करेंगे हैलोजनों की, और ये हैलोजन कहां का होता है, आप ध्यान देंगे कि हैलोजन बोलते किसको है, जैसे हमने बोला क्षार धातु, वैसे ही हाइड्रोजन के लिए एक ग्रुप है, आप देखेंगे टेबल में तो 17वां ग्रुप, या तो हम लोग इसको 7A बोलते हैं, 7A 17वां या तो 7A, 7A ग्रुप के जितने भी परमाणु हैं सबको हाइड्रोजन कहते हैं, इसमें क्या आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, इतने एलिमेंट्स आएंगे और इन सभी की आक्सीकरण संख्या हर जगह माइनस एक होती है, कभी भी प्लस जीरो कुछ नहीं आएगा, हमेशा माइनस एक आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, क्षार धातुओं का प्लस एक, क्षारीय मृदा धातुओं का प्लस दो, और ऐसे ही हैलोजनों का माइनस एक होता है। रूल नंबर सिक्स पर चलेंगे। तो रूल नंबर सिक्स ये है, देखिए रूल नंबर सिक्स ये होता है कि अगर कोई ऐसा परमाणु है या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश हो, ऐसे परमाणु या परमाणु के समूह जिन पर आवेश हो, तो उस पर जितना आवेश रहेगा वही उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। किसी पर जितना आवेश होगा, किसी परमाणु पर जितना आवेश होगा वही आवेश ही आक्सीकरण संख्या होती है। जैसे अगर बात करें ओ डबल माइनस की तो माइनस दो आएगा आक्सीकरण संख्या, अगर बात करें हम लोग ओ एन ट्रिपल माइनस की तो माइनस तीन आएगा, ऐसे बात करें अगर हम लोग ओ एच माइनस की तो पूरे का मिला करके माइनस एक आएगा, अगर हम लोग बात करें एन आई ए प्लस की आक्सीकरण संख्या प्लस एक, एम जी डबल प्लस तो क्या आएगा प्लस दो, एस ओ फोर डबल माइनस तो पूरे का मिला करके माइनस दो, CO3 डबल माइनस तो पूरे का माइनस दो। देखिए जितना आवेश रहेगा वही आक्सीकरण संख्या होती है। किसी भी परमाणु पर या परमाणु, देखो ये परमाणु है जी, ये परमाणु का समूह है, तो परमाणु या परमाणु के समूह पर जितना आवेश होता है आवेश को तो ही बोलेंगे आक्सीकरण संख्या। जैसे NH4 की बात करें तो इस पर एक प्लस है मतलब प्लस एक आएगा बस। अच्छा ये आइडिया लगाइए, हमने क्या बोला, किसी परमाणु या परमाणु के समूह पर जितना आवेश रहेगा वही की आक्सीकरण संख्या है। अच्छा अगर किसी पर आवेश ना हो तो जीरो होगा, जीरो होगा। अगर किसी पर रूल नंबर सेवन ये बोलता है कि अणुओं की जिस पर कोई आवेश नहीं है, अणुओं की आक्सीकरण संख्या हमेशा जीरो होती है, कुछ नहीं केवल जीरो। जैसे O2 की क्या करेंगे, जीरो, Cl2 जीरो, H2 जीरो, पूरा का पूरा जीरो होता है। ऐसे किसी का भी चाहे जो बोले कि सोडियम का निकालो तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि Na है इस पर कोई चार्ज नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं उस पर आक्सीकरण संख्या भी नहीं होता है, तो सबका जीरो आएगा। जैसे अगर बात करें H2O की बताइए तो H2O टोटल का जीरो, EH2, SO4 ये अणु है ना, ये यौगिक है, अणु है, कुछ भी कहो इसको, इसका जीरो आएगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। हाँ CH4 का जीरो, NH3 का जीरो, सबका जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी कंपाउंड्स पर कोई आवेश कभी नहीं होता, जिस पर आवेश रहेंगे आक्सीकरण संख्या आएगा, नहीं है तो नहीं आएंगे। हाँ ध्यान देंगे आप, जैसे अगर हम लोग बात करें NH3 का तो जीरो होता है, लेकिन NH3 के एक कंपाउंड्स में N का आक्सीकरण संख्या आएगा, EH का भी आएगा, अलग से निकालेंगे तो आएगा, लेकिन सबका जीरो होता है। तो रूल नंबर सेवन था, देखो सारी कहानी खत्म हो गई, इतने को फॉलो कर लेंगे आक्सीकरण संख्या आराम से आ जाएगा। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं फिर से, आप ध्यान देंगे, फिर आपको मैं सिखा दूंगा कि आक्सीकरण संख्या निकालते कैसे, कोई भी कंपाउंड हो आसानी से आ जाएगा। आपको ज्यादा शक्तिमान नहीं बनना है, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। रूल नंबर वन में मैं ये बोला था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हर जगह माइनस दो होता है, लेकिन पराक्साइडों में माइनस एक होता है बस। अच्छा OF2 में प्लस दो होगा, O2F2 में प्लस एक होगा, छोड़िए उसको ना, वो तो नोट है। रूल नंबर टू में बोला गया था कि हाइड्रोजन का हर जगह प्लस एक होगा, केवल हाइड्राइड हाइड्राइड में माइनस एक होता है, कंफर्म हो गया अभी। रूल नंबर थ्री में ये बोला था आपसे कि क्षार धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सभी का हर जगह प्लस एक होता है। रूल नंबर 4 ये बोला था कि क्षारीय मृदा धातु कौन कौन, इसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सभी की आक्सीकरण संख्या प्लस दो होती है। ऐसे रूल नंबर 5 की बात करेंगे आप
तो इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इन सभी हैलोजनों की आक्सीकरण संख्या जो होती है माइनस एक होती है। देखो सब सेपरेटली आ गया, सबका लिख दिया हमने। रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सिक्स में ये था कि जिस पर जो आवेश होगा आवेश को बोलते हैं जी चार्ज, जिस पर जितना चार्ज होगा वही की आक्सीकरण संख्या है। जैसे SO4 डबल माइनस मतलब -2, CO3 डबल माइनस मतलब -2, CN माइनस में कितना होगा -1। जिस पर जितना आवेश रहेगा, जैसे एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, तो इसका +3 आएगा। अच्छा प्लस में तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। एक रूल नंबर सेवन था, वो भी देख लीजिए, कि अणुओं का अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, अगर कोई अणु है, तो इनका हर जगह जीरो होगा यार। जीरो, जैसे H2 जीरो, N2 जीरो, Cl2 जीरो, कुछ भी रहेगा अगर अणु है। जैसे P4 का भी जीरो, S8 का भी जीरो, चूंकि अणु है। अणुओं में हमेशा आक्सीकरण संख्या जीरो होती है, बस हो गया। अब इसी के बेस पर आप आक्सीकरण संख्या किसी का भी निकाल सकते हो। देख लीजिए, जैसे HNO3, इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। इसमें बोलेंगे कि भैया हमको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो क्या करेंगे आप? देखिए एच का चेक करिए, एच का कितना था जी? +1, तो लिखेंगे +1, और प्लस जिसका निकालना है उसको एक्स मान लेंगे। और ओ का चेक करिए, -2, तो -2, ओ है कितना? 3 है, तो 3 गुणा कर लेंगे इसमें, इज इक्वल टू क्या होता है? पूरा जीरो, पूरा का पूरा आपको जीरो ही करना है, चूंकि टोटल जो होगा ना वो जीरो होता है। ध्यान देंगे आप, ये तो एक ही रहेगा, प्लस एक्स और माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू जीरो। अब ये घट जाएगा तो एक्स -5 आएगा, इज इक्वल टू जीरो आएगा। इस -5 को जब इक्वल के उस साइड लेकर जाओगे ना, तो थोड़ा मैथ पढ़ लिया करो, तो ये +5 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का आक्सीकरण संख्या +5 आ गया। ऐसे करके आप किसी का भी आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। सेकेंड से करेंगे, एक बात करते हैं हम लोग H2SO4 की। तो H2SO4 में अगर आप देखेंगे सल्फर, जो कि H का होता है, 1 + 1 + 1 मानेंगे, और इनटू H है कितना? 2 है, तो 2 गुणा कर लेंगे आप, प्लस जिसका निकालना उसको X मानेंगे, और O का होता है -2, तो -2 इनटू है कितना? ये सारे इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे आप, और यहाँ पर आएगा x, और ये 4 × 2 = 8, लेकिन इसमें माइनस में, तो -8 करेंगे इसको आप, एंड इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा ध्यान रखेंगे कि टोटल का जो योग होगा वो 0 ही आएगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है आप कुछ बताएंगे अभी। तो ये तो हो गया 2 और प्लस x -8 = 0। अब ये जो 2 है इसमें से घट जाएगा, तो x -6 आएंगे, इक्वल 0 आएगा, और इस -6 को ले जाओगे इक्वल के उस साइड, तो ये +6 हो जाएगा। तो फाइनली सल्फर की जो आक्सीकरण संख्या आएगी वो +6 आएगी। इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड्स में आप उसकी आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखेंगे, हमने क्या बोला कि H2SO4 में सल्फर का +6 अभी निकाले। अच्छा टोटल मान हमने रखा 0, टोटल मान 0 क्यों रख रहे हैं आप? ध्यान देंगे आप, टोटल जो वैल्यू है हमने रखा है, तो नहीं उसका क्यों रखे हैं? चूंकि एच का होता है +1 और ओ का होगा -2। ध्यान देंगे आप, ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, +2, और यहां पर इसका तो +6 आया था, और ये 4 × 2 = 8, -8, तो ध्यान देंगे ना, तो 6 × 2 = 8, +8 आया है और -8, तो वैल्यू क्या होता है टोटल? 0। इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी भी अणु का हमेशा आक्सीकरण संख्या क्या आएगा? 0 आएगा। इस बेस पर आप किसी भी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उसके कंपाउंड से निकाल सकते हो। अच्छा एक बात और, अगर आपसे बोल दिया जाए कि HClO5, एक मिनट, HClO4, HClO4 में Cl की आक्सीकरण संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे आप? रूल को देखिए, H जो था इसका 1 हमने माना है, तो 1 होता भी है, और प्लस जिसका निकालना उसको x मानेंगे, और O का -2 होता है, और वो है कितना? 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 + x - 8 इक्वल टू 0। ये कम हो जाएगा, तो x -7 आएगा, और अब ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा? +7। तो Cl का जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो +7 हो गया। इस प्रकार से आप किसी का भी आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। देखिए रूल अपना क्या था जी, एक बार रूल को आप लिख लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लेंगे,
एक बार दो बार देखेंगे आपको किसी भी कंपाउंड्स का आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। और जो ना आए तुरंत कमेंट करो यार, तुरंत कमेंट करिए, आगे वीडियो में आपका वो भी मिल जाएगा जो जो प्रॉब्लम होगी। इस बेस पर आप किसी का भी आकसीकृत संख्या निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे आप, किसी और का निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं H2CO3 में कार्बन की आकसीकृत संख्या। देखिए H का होता है एक, एक और गुणे दो कर लेंगे क्योंकि दो है, इसको मानेंगे यक्स, और O का होता है -2 × 3 = 0। इधर दो एक का दो आ जाएगा और प्लस यक्स -3 × 6 = 0। आप इसको घटा देंगे तो यक्स -4 बचेगा और इक्वल के उस साइड जाएगा तो +4 आ गया। किसी भी कंपाउंड्स का आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, ध्यान देंगे, कुछ बातें और सीख लेंगे आप। मैं इसको मिटा रहा हूँ जी, एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके इसको नोट्स कर लेंगे, और नोट्स करने के बाद आप फिर से रिवाइज करिए, ऑटोमेटिक किसी का भी आ जाएगा। कुछ और ध्यान देंगे, यदि हम लोग बात करें किसी भी कंपाउंड्स की, मान लीजिए अपने पास H2SO5 है, तो मैं एक कंक्लूजन आपको दे रहा हूं कि ये दिक्कत क्या होती है H2SO5, ध्यान देंगे। अच्छा एक मिनट, हम लोग बात करें H2SO4 की एंड एक H2SO5 की। यदि यहां पर आप सल्फर का निकालेंगे, यहां पर सल्फर का निकालेंगे, ध्यान देंगे आप, इसका एक होता है, दो एक का दो आ जाएगा और प्लस इसको एक्स माने थे, इसका -2 × 4 = 0। एच का एक होता, हमने दो गुणा करके दो कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 + x - 8 = 0। अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर +6 आ जाएगा, तो आकसीकृत संख्या +6 आ गया। यहां पर देखिए ये आ जाएगा 2 × 2 + x - 5 × 10 = 0, क्योंकि O का -2 होता है (2, 5, 10) आ जाएगा। आप घटाएंगे तो यहां पर x - 8 = 0 आएगा, और यहां पर फाइनली जो x का मान आएगा वो +8 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, वही सल्फर अपने पास है, एक जगह इसका +6 आया और यहां पर +8 आ रहा है। अब दिक्कत है यहां पर, यदि एक ही कंपाउंड्स की आकसीकृत संख्या भिन्न भिन्न आ जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी का +2 + 8 + 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर है, सल्फर की आकसीकृत संख्या +6 है और यहां पर +8 है। देखिए दिक्कत कहां पर होता है, दिक्कत यहां पर है ना कि टेबल की बात करेंगे आप तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपना जो पहला ग्रुप होगा वो बोरान है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सेकंड जो होगा कार्बन का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और जो अगला है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अगला जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अगला जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। फिर जाएंगे जी आगे तो हीलियम आएगा, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। एक बात सुनेंगे आप, बोरान जो है ना, बोरान ये थर्ड ए का है और ये जो कार्बन है जी ये 4A का होता है, एंड ये नाइट्रोजन 5A का है, ऑक्सीजन 6A का होता है, फ्लोरीन 7A का होता है और ये H A का है। सल्फर हमने सल्फर की बात की है, सल्फर का +6 आया और सल्फर का +8 आया। एक नया नोट्स पॉइंट आप लिख लेंगे कि सल्फर की आकसीकरण संख्या +6 तो आ सकता है लेकिन कभी भी +8 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड सी गलत है यार, ये गलत है। H2SO5 बनेगा, सही है, H2SO4, H2SO5 बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है ना कि किसी भी परमाणु की आकसीकरण संख्या यार ग्रुप संख्या से ज्यादा आती नहीं, क्योंकि किसी भी परमाणु की आकसीकरण संख्या जो होती है समूह संख्या के बराबर होती है, मैक्सिमम जिस समूह में है उतना आएगा और कम से कम कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जिस समूह में उतना आएगा। जैसे सल्फर है ना, तो सल्फर का अधिकतम +6 आना चाहिए, +6 से ज्यादा होता ही नहीं। अगर कहीं पर है फिर तो डाउट है, मतलब
एच टू एस ओ फ्रॉम प्लस 6 आ गया, सही है जी। लेकिन एच टू एस ओ फाइव में जो प्लस 8 आया है ना, यहाँ पर दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या, इससे क्या मतलब समझेंगे आप? देखो ये नई बात है, आप सीख लीजिए, नई बात ये ना कि किसी भी, चाहे जो हो, चाहे जहां का हो टेबल में, चाहे जिस ग्रुप का हो, जिस ग्रुप का है उसी, वह जो ग्रुप संख्या है उसी ग्रुप संख्या के बराबर उसकी अधिकतम आंशिक संख्या आएगी, उससे ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। और अगर कभी आ गया ना, इसका मतलब क्या, अगर किसी तत्व की आंशिक संख्या ग्रुप संख्या से अधिक आ जाए, इसका मतलब ये होता है ना जी, इसका मतलब ये होता है कि वो उस कंपाउंड्स में पराक्साइड है, उस कंपाउंड्स में पराक्साइड बंध है। ध्यान रखेंगे आप, यदि ग्रुप संख्या से ज्यादा, अगर ग्रुप संख्या जो ग्रुप नंबर्स है, यदि ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है जी, ग्रुप संख्या से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें परॉक्साइड बांड है। तो इसमें परॉक्साइड बांड है, ये तरीका है पहचानने का कि किस किस में परॉक्साइड बांड हो सकता है। एक पॉइंट और नोट करेंगे आप, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या ग्रुप संख्या के बराबर आ गई, जैसे सल्फर है 6 का है, 6 आ गया, नाइट्रोजन किसका है 5 का है, कहीं पर 5 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर ग्रुप संख्या के बराबर आ जाए, इसका मतलब यह ना कि वो खुद से बांड नहीं बना सकता, कभी भी खुद से बांड नहीं बना सकता। जैसे देखिए H2SO4 में तो कुल सल्फर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, बांड बनाएगा, लेकिन सल्फर और सल्फर खुद से बांड नहीं बना सकता, कब, जब 6 आ जाएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको एक नोट्स एग्जांपल में, जैसे N2O5 की बात करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस 5 आएगी, प्लस 5, और नाइट्रोजन है कहां का, पांचवें ग्रुप का है, इसका मतलब N2O5 में ना नाइट्रोजन खुद से बांड नहीं बनाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, यन सिंगल बांड ओ, सिंगल बांड यन, फिर यहां पर कोऑर्डिनेट बांड ओ, डबल बांड ओ, कोऑर्डिनेट बांड ओ एंड डबल बांड ओ, तो N2O5 की संरचना ऐसी होती है, ऐसी। कभी भी, मैं इसको मिटा रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यन को सिंगल बांड यन से जोड़ दें, इस वाले केस में, N2O5 वाले केस में आप यन को सिंगल बांड यन जोड़ नहीं पाएंगे, वजह क्या जी, चूंकि ऑक्सीकरण संख्या इसका ग्रुप संख्या के बराबर आ गया है, ऐसा कभी होता नहीं। अच्छा, ग्रुप संख्या के बराबर आ जाएगा तो वो खुद से बांड नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं होगा, आप इसको बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और हाँ, इस प्रकार से आप किसी का भी आंशिक अंश संख्या निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार रिवाइज कर ली सब आ जाएगा।